हेलो स्टूडेंट्स आई अमृता इंदौलिया योर नीट केमिस्ट्री मेंटर और स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हाइड्रोजन का सेकेंड पार्ट जो कि क्या है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन सो लेट्स बिगिन विद विदोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हाइड्रोजन को रिमाइंड कर लो फिर से कि हाइड्रोजन कौन है वही है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता कौन कौन होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास प्रोटोन होता है जिनके पास न्यूट्रॉन नहीं होता वही है जनाब हाइड्रोजन ठीक है अब यहां डिस्कशन करना है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में पहली चीज हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हेलोजन ये पॉइंट याद आ गया होगा फिर से अभी थोड़ी देर पहले जब हेलोजन के साथ मैंने रिजैम बताई थी तो कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे हेलोजन से क्लियर अब इसके जो तीन आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं प्रोटियम जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वन एच वन सेकेंड इज ड्यूटेरियम दैट इज वन एच टू एंड थर्ड इज ट्राइटियम दैट इज वन एच थ्री सो आप इस तरीके से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्या है इनके नेमिंग्स अगेन आई रिपीट प्रोटियम दैट इज वन एच वन ड्यूटेरियम वन एच टू ट्राइटियम वन एच थ्री मतलब यहां पर क्या हो रहा है एक एक हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है प्रोटियम के केस में आपने देखा सिंगल हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम के केस में आपने देखा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया यानी कि दो हाइड्रोजन है ट्राइटियम के केस में वहां पर एक और एड करने पर आपने देखा कि थ्राइस ऑफ मोल्स हैं किसके हाइड्रोजन के आइए नेक्स्ट अब यहाँ सबसे पहले आपको इन तीनों में न्यूक्लियस का कंपेरिजन देखना है क्योंकि हमने बात की थी हाइड्रोजन कौन है जिसके पास न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है ठीक है अब लेकिन प्रोटियम जुटेरियम और ट्राइटियम इनके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कन्वर्जन आता है वो क्या है क्योंकि प्रोटियम सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी प्रोटियम को लेके इसका जो आप रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखते हैं वन एच वन ऐसे ही लिखते हैं आप इसको ठीक है अब यहां आपको पता है क्योंकि इसके पास कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में आपको पता है कि यहां सिर्फ वन प्रोटोन प्रेजेंट होगा क्लियर याद रखनी है ये चीज क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी चीज पर बनता है कि हाइड्रोजन के पास ड्यूटेरियम या ट्राइटियम में से किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आफ्टर प्रोटियम हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की तो ड्यूटेरियम में देखिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं रिप्रेजेंटेशन है वन एच टू सी वट द रिप्रेजेंटेशन इट इज वन एच टू तो आपने यहां पर कहा उसके पास एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन पाया जाएगा लेकिन ट्राइटियम से अगर मैं न्यूक्लियस का रिलेशन देखूं तो आपने कहा कि ट्राइटियम के केस में मैम पर क्या होता है ना वन प्रोटोन एंड टू न्यूट्रॉन्स बात समझ में आ गई दोबारा मैं बताती हूं प्रोटियम के केस में आप कहेंगे सिंगल प्रोटोन प्रेजेंट होता है वेल इन द केस ऑफ ड्यूटेरियम वन प्रोटोन एंड वन न्यूट्रॉन एंड नेक्स्ट इन द केस ऑफ ट्राइटियम इट न्यूट्रॉन्स सो so, ये आपको याद रखना है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मैं अब मैं अगर इसके आइसोटोप्स का एक कंपैरिजन आपके साथ करूं रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टीज तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपसे कहती हूं रिलेटिव अबंडेंस यानी कि किसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा है सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आप कहेंगे जो जनाब प्रोटियम है वो मैक्सिमम अबंडेंट है कितने नाइनटी सो मैक्सिमम अबेंडेंट एलिमेंट अमंग ऑल द थ्री आइसोटोप्स इज प्रोटियम फर्स्ट क्वेश्चन ड्यूटेरियम के केस में मैं बात करूं तो इसकी एग्जिस्टेंस है बट बहुत ही माइनर अमाउंट में है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो क्लियर वेल इन द केस ऑफ ट्राइटियम इट इज अबाउट टू इन द नेग्लिजिबल द फॉर्म ऑफ आइसोटोप सो वॉट इट इज इट इज रेस्ट माइनस फिफ्टीन परसेंट सो आपको पता होना चाहिए कि अमंग ऑल थ्री ऑफ दैम सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है वो है प्रोटियम नेक्स्ट रिलेट करते हैं रिलेटिव एटमिक मास तो एटमिक मास में प्रोटियम के रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कितना है मास 1.007825 हमें डेटा याद नहीं रखना है हमें वैल्यूज याद इतनी नहीं रखनी है बट रिलेशन के लिए मैं बता दूं तो क्या मैं ये कह सकती हूं और ड्यूटेरियम में आप देख रहे हैं दिस इज नियरली अबाउट टू पॉइंट जीरोसाइटी थ्री पॉइंट जीरो इजिली याद करने के लिए कह सकते हैं इट इज वन टू एंड थ्री प्रोटियम डिटेरियम एंड ट्राइटियम सो रिलेटिव एटमिक मास की अगर मैं बात करूँ तो किसका सबसे ज्यादा है ट्राइटियम का रिलेटिव अबंडेंस की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रोटियम क्लियर थर्ड एक्टिविटी में मैं बात करते हैं तो आप कहते हैं रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी वाडाइड रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी तो आपको याद रखना है कि प्रोटियम और डिटेरियम प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम दे बोथ आर नॉन रेडियो एक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी कितनी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है बस इतना याद रखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ट्राइटियम सो so, ये जो कंपैरिजन टेबल है बच्चा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इधर यू कैन टेक इट इन योर माइंड आल्सो आप सब इतने तो स्मार्ट है, है. So, हो गया है तुम लोग को नहीं भी हुआ है तो प्लीज उसको नोट डाउन करो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आता है समझ के इसीलिएटिव करके दिया है here, क्या मैं इसको भी ये कह सकती हूं कि हाँ ये भी एक आइसोटॉपिक पार्ट ही है हाइड्रोजन का क्यों नहीं है आप मुझे बताइए ना डायहाइड्रोजन एग्जैक्टली है क्या उसी का फॉर्मुलेशन तो है सो so, सबसे पहले आप इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कहेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स क्या कह रही हूं मैं आपको रिएक्शन देखनी है एसिड्स की मेटल के साथ एक कन्सेप्ट याद रख लो एक बहुत ही छोटी सी बात बता रही हूँ इन अ वेरी शॉर्ट वे फिर आपको इन रिएक्शंस को देख के घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब कभी भी बात आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब मेटल से एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट फॉर्मूलेशन क्या होगा तो याद रखना है एक चीज कि हाइड्रोजन लिबरेट होगा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लिब्रेशन किसका होता है जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं सोचना है बिना सोचे सीधा टिक मारना है एच टू लिबरेट बात समझ में आ गई तो देखो पहली रिएक्शन मैं चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई है ट्राइस ऑफ एस सी एल एंड वी ऑल नो कि एस सी एल क्या है एक एसिड ही है अब जब मैंने एस से रिएक्शन करवाई तो आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है जेड और लिबरेट क्या हो रहा है एच टू एच टू गैस रिलीज एक और लेते हैं अब सेम जिंक की रिएक्शन में किससे करवा रही हूं एच टू एसओ फोर से ये भी तो एसिड ही है करवा लेते हैं रिएक्शन फॉर्मुलेशन हो गया जेड एन एसओ फोर का सेम अगेन एच टू गैस लिबरेटेड चलिए एक पार्ट और देखते हैं अगर मैं करवाती हूं एफ के साथ यानी कि आयरन के साथ रिएक्शन करवा रही हूं मैं किसकी एस की एस एसिड है एसिड की ही देखनी है रिएक्शन मेटल्स के साथ आपने कहा एफ बन गया और एच गैस लिबरेट हो रही है बात समझ में चलो एक रिएक्शन और बताती हूं अगर मैग्नेशियम का रिएक्शन करवा रही हूं मैं एच के साथ मैग्नेशियम की रिएक्शन तो आप कहेंगे एम बनेगा मैग्नेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो आप ये देखो मैंने चार डिफरेंट मेटल की रिएक्शन करवाई है चार डिफरेंट मेटल्स लिए हैं रिएक्शन में बार बार मैंने दो, दोनों एसिड के साथ भी रिएक्शन करवाया है एस सी एल एंड एच टू एस ओ फोर तो आपने ये देखा इन द एंड क्या हो रहा है एच टू गैस लिबरेट हो रही है बस इतनी सी बात याद रखनी है वाइल इन द केस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है सॉल्ट हैं यहाँ आपने डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है एंड दे ऑल आर मेटल्स यहां जो एसिड आपको यूज करने हैं वो कौन कौन से होंगे डायल्यूट एस सी एल एंड डायल्यूट एच टू एसओ फोर क्योंकि हमें लिब्रेशन देखना है एच टू का बात समझ में आई चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से हैं जिंक आयरन मैगनीज यानी कि हमें रिएक्शन में किसका टेक पार्ट करना है जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और हमने रिएक्शन में वही लिए हैं देखिए मैग्नेशियम आयरन जिंक क्लियर नेक्स्ट पार्ट अब पहले आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई अब हम यहां पर बेस के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं हमें देखना है ना आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी में डिफरेंस कितना आता है अब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं चलिए मैं एग्जांपल ले रही हूं जिंक मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई है बेस के साथ और बेस मैंने यहां लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है NaOH ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ याद भी आ गया होगा मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको आप कहते हैं सोडियम जिंकेट क्या कहा जाता है सोडियम जिंकेट और फॉर्मूला क्या होता है Na2ZnO2 टू अगेन यहां पर आप एक चीज सेम देखने को मिल रही है जो एसिड्स में भी मिली थी लिबरेट क्या हो रहा है H2 गैस लिबरेट आउट हो रही है सो so, यही बात याद रखनी है इस क्वेश्चन को लिख लो याद कर लो भाई कुछ भी कर लो सीधा क्वेश्चन है कि जब जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है ईदर दे गिव अ फार्मूला और दे गिव अ नेम और दे वांट टू ask the product in the form of X. So, तो आपको पता होना चाहिए that is sodium zincate and the formula is Na2ZnO2. Clear? Next. चलो एक और reaction करवाते हैं. यहाँ मैंने aluminium ले लिया. एक reaction और बता रही हूँ base के साथ. यहाँ aluminium की reaction मैंने potassium hydroxide से करवाई है. What it is? It is potassium hydroxide. Formula क्या होता है? KOH. चलिए लेकिन यहां जो एक बात याद रखनी है और मैंने थोड़ा सा ले लिया यहां पर वॉटर रिएक्शन करवानी है मुझे मैंने एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वॉटर दैट इज द मेजर पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप यहां पर कहेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है सी फॉर्मेशन क्या हुआ है टू के एल ओ टू रिएक्शन बैलेंस करना तो जानते हो मेजर प्रोडक्ट क्या है के ए एल ओ टू इसको आप कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकिन इन द एंड देखो रिएक्शन में लिब्रेशन किसका हो रहा है एच टू का बात आ गई समझ में यही मैं आपको इस पार्ट से पूरे से बताना चाह रही हूं रिएक्शन से कि इन द एंड आपको एच टू का लिबरेशन देखना है प्रोसेस में अब यहां इस रिएक्शन पार्ट में जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेट क्वेश्चन आता है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दिस रिएक्शन दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आ चुकी है एग्जाम में और आ भी सकती है एग्जामिनर की बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेवरेट रिएक्शन रही है ये क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या होता है आपसे कहता तो ये है कि मेटल की बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो आप सिंपल बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं आप भूल जाते हैं कि वहां पर आपको वॉटर भी एड करना था क्लियर और इसको आप कहते हैं यूनोज मैथड इस रिएक्शन को कहा जाता है यूनोज मैथड क्योंकि आप तो जानते हैं यूनो यूनोज मैथड प्रोसीड करते हैं अब हम कमर्शियल प्रोडक्शन देखते हैं किसका डायहाइड्रोजन का अभी हमने उसकी प्रिपरेशन देखी थी अभी हमें उसका कमर्शियल प्रोडक्शन देखना है तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वॉटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अब मुझे एक चीज बताओ जब कभी भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो क्या आप सीधे सिंपली वाटर यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेते हो अब आप कहेंगे मैम हमने तो कभी करवाया ही नहीं ना हमें देखा ही नहीं नहीं देखा तो आ जाओ चलो मैं बताती हूँ यहाँ एक चीज जो मेजर पार्ट है वो याद रखना है क्वेश्चन में जो पूछा जाता है यहाँ आपको वाटर में एसिड ऐड करना है रिपीटेड अगेन आपको वाटर के साथ एसिड का एडिशन कराना है तभी आप प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाएंगे वाटर का जो कि क्या कहलाएगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डायहाइड्रोजन सी तीन क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से आपको यहां पर बता दिया है अब आपने कहा H2SO4, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा

विजिबल नहीं है इट इज ब्लैक इन कलर सुड विदो एच टू गैस जो है वो वो आपके कैथोड कैथोड पर पर। पर, हो 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 गई, जबकि ऑक्सीजन जो है, वो कहां हो रही है? पर. और H2 आपकी हो रही है रही रही एनोड और और आपकी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है कैथोड ही याद रखना है एनोड से आपको कोई मतलब नहीं रखना है यहां पर तो बस इतना सा याद रखो ट्वाइस ऑफ एच प्लस और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स और फर्दर एड होंगे क्या लिबरेट हो जाएगी एच टू एच टू कहाँ जाके लिबरेट होगी कैथोड पर बात समझ में गई बस इतना सा प्रोसेस याद रखना है और एनोड पे क्या हो रहा है आपने ये देखा ये जो ऑक्सीजन यहां इस पर लिबरेट हुई थी ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाया ये हाइड्रोक्साइड आयन किस में कन्वर्ट हो गया इसने इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिए साथ में लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन अगेन जाके किसका फॉम्बिनेशन कर रहा है वाटर का तो का पार्ट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट कैथोड का पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि वाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिस नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हाईली प्योर डायहाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट आई सेट वेरी मच इंपॉर्टेंट जितने स्टार लगा दूं उतने कम है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है यहां पर कि प्रिपरेशन में जो प्योर डाइहाइड्रोजन मिलता है दैट इज नियरली अबाउट कितना सा पार्ट बचा है कितना ज्यादा कंजम्पशन है तो आप ये कहेंगे ये चैम्बर दिख रहा है आपको और यहां क्या लिया है वॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हाँ जी वॉम गर्म बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आपको यहां पर वम बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ही लेना है क्या होता है बी ए ओ एच इन जनाब को लेना है और याद रखना है जब आप इसको प्रोसेस करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स कौन सी इलेक्ट्रोड्स हैं ये निकल इलेक्ट्रोड्स अब देखो इस क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे से कितने क्वेश्चन बनते हैं छोटे से मैं ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड पहली चीज तो ये पूछ ली जा सकती है कि ये जो प्योर हाइड्रोजन का प्रोसेस है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोड्स कौन सी यूज की जाती हैं आपका आंसर होगा निकल इलेक्ट्रोड्स ठीक है दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जब आप उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस के मैं वॉर्म एक्वस्बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है या कोल्ड किया जाता है या नॉर्मल और रूम टेम्परेचर वाला सो आंसर क्या होगा वॉर्म सेकेंड क्वेश्चन मिल गया थर्ड क्वेश्चन में आपसे फॉर्मुलेशन पूछी जा सकती है आपको पता है बी एओ एच ठीक है एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच प्योर इट इज तो आपको आंसर देना है इट इज नियरली अबाउट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन फाइव फाइव ठीक है आप सुनिए इन्होंने कहा है प्योर तो याद रखना प्योर कभी भी इजीली नहीं बन जाएगी यू हैव टू यूज वॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड वाई आई रिपीटेड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नीट में मैं जैसे यहां लिख रही हूं ना वहां मिलेगा ये लिखा बात समझ में आई क्वेश्चन पेपर में हंड्रेड एंड टेन परसेंट लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें तो, तो प्लीज इसको याद कर लो लिख लो भाई कहीं भी लिख लो दिमाग में लिख लो अपनी नोटबुक में लिख लो कुछ भी करो याद रखना है वॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए प्योर डाईहाइड्रोजन के लिए नेक्स्ट बॉश प्रोसेस एक प्रोसेस है ये भी डायहाइड्रोजन के लिए ही है ये बॉश प्रोसेस में क्या आपको याद रखने की वाली बात है चलो आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एच टू इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वाटर गैस इसके रिएक्शन आप करा रहे हैं एच टू ओ के साथ जो कि क्या स्टीम अब जो क्वेश्चन है जो बॉश प्रोसेस का ये रिएक्शन है ठीक है रिएक्शन दिख रही है लेकिन जो क्वेश्चन अराइज होता है पहला क्वेश्चन ये कि वहां पर जो आप रिएक्शन uh, में यूज कर रहे हैं मिक्सचर पासड ओवर किससे हो रहा है कि रिएक्शन प्रोसेस के दौरान वो है आपका फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एफ प्लस की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन समझ गए और टेम्परेचर कितना होता है 773 हंड्रेड 773 केल्विन टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ई टू ओ थ्री प्लस सी आर टू ओ थ्री आपको यहाँ पर सी ओ टू गैस प्लस एच टू गैस का फॉर्मेशन होगा अब एक चीज़ जो यहाँ रखनी है ना बॉश प्रोसेस में याद वो ये रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है वाटर गैस प्लस एच टू और एच टू ओ इन स्टीम फॉर्म यूज़ करना है रिएक्शन बहुत सिंपल है सारी चीजें लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है सी ओ प्लस एच टू का वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस होगा जिसे आप सिन गैस भी कहते हैं एक नेम और है इसका जिसको आप कहते हैं सिन गैस ठीक है और एच टू इन द फॉर्म ऑफ स्टीम किसके प्रेजेंस में एफ ई टू ओ थ्री प्लस सी आर टू ओ थ्री टेम्परेचर सेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन लिब्रेशन सी ओ टू प्लस एच टू दैट्स इट दिस इज द बॉश प्रोसेस this water gas is mixed with twice the volume of steam this and the mixture is passed over what fe2o3 plus cr2o3 co gets oxidized to co2 this is important question yahi pucha jata hai ki in the bosch process which is oxidized to this या फिर ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यहाँ oxidation हो रहा है reduction हो रहा है क्या हो रहा है और आपको पता है वो क्या रहा है सीओ सीओ टू में कन्वर्ट हो रहा है चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ये यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चंस बता दिए इसमें भी तीन चार क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांच पाँछ क्वेश्चन सेम एक पार्ट से चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन यानी समुद्र के पानी की बात हो रही है भाई वहाँ इलेक्ट्रोलिस करवाना है इनको क्या कहते हैं आप उसको एक्वस सन सोल्यूशन चलो चैम्बर बनाते हैं पहले चैम्बर बनाया चैम्बर में आपने भाई सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन फिल कर दिया दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी कैथोड और एनोड और आपने सप्लाई पास ओवर किया अब यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा ना आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिस तो है भाई एन एस सी एल सोल्यूशन के अंदर लेकिन यहाँ कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है दिस इज इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आएगा और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिस में ब्राइन सोल्यूशन के केस में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होती है तो मुझे एक बात बताओ इधर देखिए आपने यहां सोल्यूशन लिया है क्या एनए सीएल एन ए प्लस का है और सीएल माइनस में है और आपको यह भी पता है क्योंकि समुद्र के पानी की बात हो रही है तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी है तो मैं ये कह दूच प्लस ओ एच OH माइनस अब क्योंकि सोडियम क्या है हैवी पार्टिकल है सोडियम हैवी पार्टिकल है और H कैसा है थोड़ा सा लाइट पार्टिकल है तो आप ये कहेंगे जो H प्लस है वो ईजीली कैथोड पे जाके लिबरेट हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के केस में याद रखना है ये बात और क्लोरीन जो है वो एनोड पे लिबरेट होगी बात समझ में आ गई टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो यही बनता है कि यहां पर एन ए क्यों नहीं लिबरेट होता है भाई एच प्लस क्यों लिबरेट होता है आप कुछ पहली सेल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर इसमें हम बात करेंगे डिसोसिएशन की सबसे पहले चलो डिसोसिएशन कर लो तुम सबको आता है डिसोसिएशन का मतलब क्या आय में तोड़ना तोड़ते हैं आयस में NaCl लिया आपने एक्वेस में किस में टूटेगा एन प्लस में एन OH सी माइनस में वाटर ले लेते हैं एच प्लस एंड ओ एच माइनस सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है ये डिसोसिएशन था एनोड पे लेके चलते हैं एनोड पे आपको पता है कि कौन जाके लिबरेट होता है क्लोरीन क्लोरीन लिबरेट होता है तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी एल टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो जाएगा ये था इलेक्ट्रोलिस के केस में अब सेम आप कैथोड पे देखेंगे यहां तक आपने एनोड के लिए बात की अब कैथोड की बात करते हैं कैथोड पे क्योंकि क्यों लिबरेट हो रहा एच टू गैस तो आप कहेंगे एच टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन क्या लिबरेट एच टू गैस ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ एन ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी एल प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू ओ क्योंकि हमें क्या करना है रिएक्शन को बैलेंसिंग फॉर्मेट में लिखना है तो होल ओवर कॉम्बिनेशन देखो ना क्लोरीन किस पे थी एनोड पर H2 कैथोड पर सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन रिमेनिंग बैलेंस आयंस को भी देखेंगे ये गैस फॉर्म में वहां पर आइसोलेट हो रही थी लेकिन ये आयंस प्रेजेंट तो है रिएक्शन में चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होल इलेक्ट्रोलिसिस नेक्स्ट अब हमें पार्ट एक पढ़ना है छोटा सा है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बंस रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बंस एट हाई टेंपरेचर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज हाइड्रोजन यानी कि क्या कह रहे हैं जब आप स्टीम के रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर और टेम्परेचर रेंज वहां पर बहुत हाई ले रखी है आपने तो आप कहेंगे वहां पर आपको हाइड्रोजन के जनरेशन के लिए कैटलिस्ट की यूज किया जाएगा वो कैटलिस्ट ही याद रखना है आपको इसमें कि वो कौन से कैटेलिस्ट हैं जो आप यूज में लेते हैं दैट इज निकल निकल मतलब तू यहां से मत निकल निकल इज निकल एन आई सी ई एल एंड द फॉर्मुलेशन इज एन आई और जो हाई टेम्परेचर रेंज है वो क्या है दैट इज वन टू सेवन जीरो कैल्विन वन टू सेवन जीरो कैलविन सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपसे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है वो क्या आता है कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच केटलिस्ट इज यूज एंड एट वॉट हाई टेम्परेचर रेंज सो आपका आंसर होगा निकल एट वन टू सेवन जीरो कैल्विन सीधे रिएक्शन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सी एच फोर प्लस एच टू ओ रिएक्शन करवा रही हूँ मैं सी एच फोर प्लस एच टू ओ की आपने कहा कार्बन मोनोक्साइड प्लस थ्री एच टू अब आपको याद आया क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू को जब आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे थे तो उसे आपने वाटर गैस कहा था थोड़ी देर पहले ही और उसी को आप क्या कहते हैं सिन गैस क्लियर चलो मैंने अभी बताया अभी हमने सिन गैस के रिगार्डिंग सारा डिस्कशन किया अब एक और पॉइंट है जो याद रखना है वो क्या है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंह गैस फ्रॉम कोल यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीधे सीधे क्या पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सि गैस फ्रॉम कोल इज वॉट तो आपका आंसर होगा दैट इज कोल गैसिफिकेशन क्लियर है बिल्कुल बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैं बता रही हूं टू द पॉइंट लिखते जाओ क्या कहा मैंने द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल कोल इज नोन एज गैसिफिकेशन और सिन गैस तुमको होपफुली याद होगा ही क्या था सीओ प्लस एच टू अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही कोई दिक्कत नहीं है चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम स्टीम जिसको आप एक और नाम से जानते हैं दैट इज लेंस प्रोसेस क्या कहा किसके थ्रू होगा फ्रॉम स्टीम तो देखिये सुपर हीटेड स्टीम दर पार्ट क्वेश्चन है यह सीधा थिंक ना दो इंपॉर्टेंट सुपर हीटेड स्टीम आयरन फीलिंग टू वॉट दिस इज दे एंड टेम्परेचर हीटेड टू वॉट इज वन जीरो टू थ्री टू वन जीरो सेवन थ्री कैलविन देखो पहली लाइन में तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं तीन क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन किस टाइप का स्टीम वो वहां पर यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर होगा सुपर हिट स्टेट स्टीम क्या सुपर हीटेड स्टीम लो लिख लो अलग से जैसे मैं लिख रही हूं ना कॉर्नर में मुझे याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें याद करने की जरूरत है इस पैटर्न में लिखना शुरू कर दो दूसरा पॉइंट क्या है क्या यूज किया गया है किसके ऊपर हुई है आयरन फिलिंग्स टेम्परेचर क्या लिया है यहां पर टेम्परेचर है वन जीरो टू वन जीरो सेवन थ्री कैलविन ये लो तीनों की तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बात समझ क्या और कौन सा प्रोसेस है ये लेंस प्रोसेस अब आप रिएक्शन देखिए थ्राइस ऑफ एफ ई पर फोर एच टू मैंने आयरन फिलिंग्स ली हैं रिएक्शन कराई है वाटर मॉलिक्यूल के साथ गैसे स्टेट में टेम्परेचर रेंज लगाया और यहां बन गया आपका एफ ई थ्री ओ फोर एच टू गैस आपकी लिबरेट आउट हो गई कोई दिक्कत नहीं है अब एक और बात जो इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है वो क्या है प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस अब स्टीम ऑलरेडी उसके नेम में भी आ रहा है तो इसी से क्लिक कर लेना कि अगर इस तरीके का कोई नाम लिखा जाए स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस मतलब कौन सा है फ्रॉम स्टीम वाला लेंस प्रोसेस क्लियर ये नो चौथा क्वेश्चन एंड सें गैस इज ऑपटेन्ड बाई पार्शल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर सिंड गैस कब ऑप्टेंड होती है जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का ये देखो देखने में एक स्लाइड है इतना सा पार्ट है लेकिन इसमें फाइव टू सेवन क्वेश्चन हैं अब आपके एग्जाम प्रिय क्वेश्चन कौन सा होता है एग्जामिनर प्रिय क्वेश्चन आपके रिस्पेक्ट में कौन सा होता है इट्स ऑल अप टू योर लक तो प्लीज लर्न इट वेल प्लीज राइट डाउन इन यूर नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ सुपर हीटेड स्टीम आयरन फिलिंग्स टेम्परेचर रेंज इज वन जीरो सेवन थ्री कैलविन देन आपने क्या कहा रिएक्शन में आपका एफ थ्री ओ फोर का प्रोडक्शन होता है और इसी प्रोसेस को स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है और यहाँ सिन गैस ऑप्टेंड होती है जब क्या होगा पार्शल ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोकार्बन्स का क्लियर है यहाँ जाके आपका ये पार्ट होता है फिनिश अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसीड करेंगे आपके साथ कुछ अदर टॉपिक्स के साथ होंगे हाइड्रोजन के ही लेकिन ये सारे के सारे प्रोसेस हाइड्रोजन चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्लीज लर्न इट वेल प्लीज राइट डाउन इन अ फ्लो चार्ट मैनर अगेन आई सेट एंड टिल देन मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में होपफुली आपको ये सारी चीजें जैसे मैं बता रही हूं आप लर्न करते जाएंगे एंड प्लीज रिवाइज द होल सेशन जब टाइम मिले सुबह पांच मिनट उठो फटाफट से रिवाइज कर दो आज हमने बहुत सारे प्रोसेस आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको एक इतना इतना सा फ्लो चार्ट बना दो एक पेज में सारे निकाल दो ठीक है चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं थैंक यू सो मच